एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। आपको बताना है साइन 2 है बराबर 2 साइन ए सत्य होता है जबकि ए बराबर हो। ये इक्वेशन कब बराबर होती है कि किस मान के लिए? अगर हम मान लो हमें देखना है कि साइन 2a और 2 साइन ए क्या बराबर है या नहीं। अगर a बराबर 0 डिग्री लें तो साइन 2 एक ही जगह रखें 0 डिग्री बराबर है 2 साइन a एक ही जगह रखें 0 डिग्री तो यहाँ से मिलेगा साइन 2 इंटू 0 0 डिग्री बराबर है 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री पे आप वैल्यू देख रहे हो कि ये 0 है और 2 साइन 0 डिग्री पे फिर वैल्यू 0 है तो यहाँ से मिला 0 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 जो कि सही है, इसका मतलब ये बात सही है अगर ए की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो। तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। वैसे आप बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो यदि ए 0 डिग्री है तो ऐसा हो जो कि सही है और यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो आप देख सकते हैं कि साइन 2 इंटू ए एक ही जगह रखें 30 डिग्री तो वो 2 साइन ए एक ही जगह रखें 30 डिग्री तो यहाँ से मिलेगा साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री और यहाँ से मिलेगा 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या है। साइन पे 60 डिग्री की वैल्यू वर्गमूल 3/2 है और ये आ रहा है 2 और साइन 30 डिग्री साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 है। ये दोनों कट गए हैं तो यहाँ से आपको क्या मिला वर्गमूल 3/2 बराबर 1 जो कि सही नहीं है जो कि गलत है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि भी साइन यदि ए की वैल्यू 45 हो तो क्या होगा, यदि ए की वैल्यू 60 हो तो क्या होगा, तो उसमें भी ये सही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसकी एक ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो आप इसे लिख देंगे चाहे तो तीसरा पार्ट तीसरी और चौथी वैल्यूज़ भी मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ कि यदि ए 45 हो तो क्या होगा और यदि ए 60 हो तो क्या होगा। तो यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री तो यहाँ से आएगा साइन 2 गुना 45 90 डिग्री और 2 गुना साइन 45 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू आप देख रहे हो साइन पे 90 की वैल्यू 1 है और 2 गुना साइन पे 45 की वैल्यू 1/2 वर्गमूल 2 है। तो ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 2/ वर्गमूल 2 तो ये भी गलत है, 1 इसके बराबर नहीं है तो सी ऑप्शन भी सही नहीं है। चौथी ऑप्शन देख सकते हो यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो क्या होगा साइन 2 इंटू ए का मतलब 60 डिग्री बराबर 2 साइन 60 डिग्री तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन 2 गुना 60 120 डिग्री और 2 गुना साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू वर्गमूल 3/2 है तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से आएगा साइन 120 डिग्री बराबर वर्गमूल 3 तो ये भी गलत है क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है।